हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम बैकुंठनाथ पटनायक संपर्क आलोचना करिबा। आज प्रथम प्रश्न रही बैकुंठनाथ पटनायक क्यों जुगर कवि? ऑप्शन गुड़िका मध्य रही सत्यवादी जुग, सबुज जुग, प्रगतिवादी जुग, अत्याधुनिक जुग। यार सठिक उत्तर हेब बैकुंठनाथ पटनायक सबुज जुगर कवि। परवर्ती प्रश्न, काव्य संचयन कविता संकलनर प्रकाश काल केते? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 1933 मसीहा, 1943 मसीहा, 1953 मसीहा, 1963 मसीहा। यार सठिक उत्तर काव्य संचयन कविता संकलन प्रकाश काल हो 1943 मसीहा। तीन नंबर प्रश्न, हताशम मो जीवन सारा, जन्म मोहर व्यर्थ, जीवन मोर अश्रुधार, न बुझे किसी अर्थ, यही उद्धृतांशटी क्यों कवितार आनीत? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही जौवन पूजा, उषा, शेष गीत, भाग्य। यार सठिक उत्तर हेब यह उषा कवितार आनीत, जहाँकि 1923 मसीह प्रकाशित एवं यह काव्य संचयन कविता संकलन स्थानित। चार नंबर प्रश्न, कवि बैकुंठनाथ पटनायक 1923-30 समय कविता गुड़िकरे क्यों भावधारा देखा मिले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही विषादवाद, रोमांटिक, रहस्यवाद, विभु चेतना। कवि बैकुंठनाथ पटनायक 1923-30 समय कविता गुड़िकरे आमे रोमांटिक भावधारा देखा पाऊ। पांच नंबर प्रश्न, मुग फूल उपवनी भ्रमर, मुग परागर रागे अमर, तुटाई दियोग बंधन, डाके मते दूर अमरावतीर नंदन, यह क्यों कवितार अंशविशेष? ऑप्शन गुड़िक मध्य पौष पवन, पौष समीरण, शारद स्पर्श, कवि प्रयासी। यही कवितांशटी कवि प्रयासी आनीत एवं एक कवि प्रयासी कविताटी 1923 मसीह प्रकाशित। छ नंबर प्रश्न, काव्य संचयन कविता संकलनटी केते कोटी कविता स्थानित? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 126 कोटी, 136 कोटी, 146 कोटी, 156 कोटी। काव्य संचयन कविता संकलनटी 156 कोटी कविता स्थानित, तेणु ऑप्शन डी हेब यार सठिक उत्तर। सात नंबर प्रश्न, सबुज कवितार केते कोटी कविता स्थान पाई? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 6, 7, 8, 15। सबुज कवितार 8 गोटी कविता स्थान पाई, सेगुड़िक होची आरंभ गीति, जौवन पूजा, प्रभात स्वप्न, नववर्षा संगीत, रूपकथा, समाधि स्मृति, विरहिणी और शेष गीत। यही भाव में 8 गोटी कविता सबुज कवितार स्थान पाई। आठ नंबर प्रश्न, जही संध्या स्निग्ध अलस नयन चाहे, जही मलय असीम प्रणयर गीत गाए, जही नित्य नवीन जौवन वीणा बाए, से देशे जीवि मु से देशे जीवि, यह कवितांशटी क्यों कवितारु आनीत? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही वर्षा संगीत, गोपबाला अनुभूति, प्रणयीर स्वप्न, राजजेमा। जही संध्या स्निग्ध अलस नयन चाहे, जही मलय असीम प्रणयर गीत गाए, जही नित्य नवीन जौवन वीणा बाए, से देशे जीवि मु से देशे जीवि, यही कवितांशटी प्रणयर स्वप्न कवितारु
आनीत एवं यह प्रणयर स्वप्न कविता 1924 मसीह प्रकाशित। 9 नंबर प्रश्न, कवि बैकुंठनाथ पट्टनायक 1929 मसीह आरती शीर्षक क्यों पत्रिकार धारावाहिक भाव में अनेक गुड़े सनेट रचना करते। ऑप्शन गुड़िक रही उत्कल साहित्य, उत्कल दर्पण, मुकुर सरकार। 1929 मसीह आरती शीर्षक उत्कल साहित्य पत्रिकार धारावाहिक भाव में अनेक गुड़े सनेट रचना करते। 10 नंबर प्रश्न, 1929-1938 मसीह रचित कविता गुड़िकरे क्यों भावधारा देखा मिले। ऑप्शन गुड़िक रही रहस्यवादी, वास्तववादी, रोमांटिक, विभुचेतना। 1929 पट्टनायकर 1929-1938 रचित कविता गुड़िकरे आमे विभुचेतना बा विभु अनुचिंतार परिप्रकाश देखा पाइबा। 11 नंबर प्रश्न, जीवन पात्र मो भरी छ केते मते नदेल बोली किछि कहिबि कि हे आउ, एहा केउ कवितार अंशविशेष। ऑप्शन गुड़िक मध्यरे रहिछि कविबंधु, यात्रा संगीत, कबीर देश, पांथशाला। 'यात्रा संगीत' कवितार अंशविशेष। यह 'यात्रा संगीत' कविताटे सबुज कविता जहाँकि 1931 मसीह प्रकाशित, से सबुज कवित प्रथमे 'शेष गीति' नाम प्रकाश पाई बा प्रकाशित होता। 12 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त कविता गुड़िक मध्यरु केउ कवितारे कविंकर रहस्यवादी भावधारा देखा मिले। ऑप्शन गुड़िक रही बासरगृह, पांथशाला, देवदूत, उपरोक्त समस्त। 16 उत्तरटी हम उपरोक्त समस्त। बासरगृह जहाँकि 1934 मसीह प्रकाशित, पांथशाला जहाँकि 1935 मसीह प्रकाशित, एवं देवदूत जहाँकि 1933 मसीह प्रकाशित। यही कविता गुड़िकरे आम कविंकर रहस्यवादी भावधारा देखा पाइबा। 13 नंबर प्रश्न, मु चीर पथिक जात्री एम रते दूर पर बासी, यही पंक्तिटी केउं कवितारु आनीत। ऑप्शन गुड़िक मध्यरे रहिछि प्रथम आसर, पथछाया, पांथशाला, देवदूत। 'मु चीर पथिक जात्री एम रते दूर पर बासी' एहा हेउछि पथछाया कवितार अंशविशेष। ए पथछाया कविताटी 1935 मसीह प्रकाशित। 14 नंबर प्रश्न, से देश मोर पराण प्रिय मो पथे चाही पड़ई ढली दिवस जाए मोहरी माया हरिणी पछे भरमे भूली। एही कवितांशटी केउ कवितारु आनीत। ऑप्शन गुड़िक मध्यरे रहिछि कबीर देश, कारावासी कबीर स्वप्न, यात्रा संगीत, कवि बंधु। 'से देशे मोर पराण प्रिय मो पथे चाही पड़ई ढली दिवस जाए मोहरी माया हरिणी पछे भरमे भूली' एहि कविताटी कबीर देश कवितारु आनीत, जहाँकि 1930 मसीह प्रकाशित बा 1930 मसीह कविताटी प्रकाश पाई। 15 नंबर प्रश्न, बैकुंठनाथ पट्टनायकर केउं कविताटी माटीर मणिष उपन्यासर मुखबंधरे रचित। ऑप्शन गुड़िक मध्यरे रही देवदूत, मुक भगवान, यात्रा संगीत, हरिजन। 'बैकुंठनाथ पट्टनायकर मुक भगवान' कविताटी माटीर मणिष उपन्यासर मुखबंधरे
रचित। परवर्ती प्रश्न, सकल चिन्ह सकल जरा काहीकि चाहूँ पछे अर्धमृत केबे कि काहीं सबुज सृष्टि रचे, यह क्यों कवितारु आनीत। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही कविबंधु, सबुज बंधु प्रति, प्रथम आसर, पौष पवन। यही कवितांशटी सबुज बंधु प्रति कवितारु आनीत। 17 नंबर प्रश्न, समाधि स्तंभ कविताटी कहार मृत्यु उपलक्षे रचित। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही राधानाथ राय, गोपबंधु दास, मधुसूदन राव, मधुसूदन दास। समाधि स्तंभ कविताटी मधुसूदन दास को बा कुलबुद्ध मधुसूदन दास को मृत्यु उपलक्षे रचित। यही कविताटी प्रथमे कवि प्रयासी शिरोनामारे उत्कल साहित्य प्रकाश पाइथिला। 18 नंबर प्रश्न, उत्तरायण कविता संकलनटीर प्रकाश काल केबे। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 1991 मसीहा, 1992 मसीहा, 1993 मसीहा, 1994 मसीहा। उत्तरायण कविता संकलनटीर प्रकाश काल हो 1994 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, उत्तरायण कविता संकलनटीरे केते गोटी कविता स्थानित। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 96, 97, 98, 99। उत्तरायण कविता संकलनटीरे 99 कोटी कविता स्थान पाई। 20 नंबर प्रश्न, पथ चला एकाकी सार बही स्कंदे आपणा भार दीर्घ दूर बिजन पथे शीत खरा बरसा सही, यह क्यों कवितारु आनीत। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही मृतिका दर्शन, रिक्सावाला, हरिजन, उमा। ଏହି କବିତାଂଶଟି ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ କବିତାରେ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ କବିତାଟି 1939 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ରିକ୍ସାବାଲା କବିତାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ହରିଜନ କବିତାଟି 1940 ମସିହାରେ କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଉମା କବିତାଟି 1941 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଗାଥା କବିତା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାନିର୍ବାଣ, ଆମ୍ବାପାଲିର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଗାଥା କବିତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମହାନିର୍ବାଣ, ଯାହାର କି ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1935 ମସିହା, ଆମ୍ବାପଲ୍ଲୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗାଥା କବିତା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ କବିତାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବ, ଯୋଶଲିପ୍ସା, ଯୁଗ୍ମରୂପ, ରିକ୍ସାବାଲା। କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବ କବିତାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବବାଦୀର ସ୍ୱର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବ କବିତାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 1933 ମସିହାରେ
प्रकाशित बा प्रकाश लाभ करथिला। जसलिप्सा हेउछि 1935 मसिया एवं रिक्सावाला हेउछि 1936 मसिया रे प्रकाशित एवं जुग्म रूप मध्य 1935 मसिया रे प्रकाश पाइथिला। सेपरि 23 नंबर प्रश्न, निरेखी जरा पराणी परा देवता करिक्रंदन श्यामल कर नवीन कर अमर नवजौवन, यह क्यों कवितार अंशविशेष? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही मृत्तिका दर्शन, आरंभ गीत, जौवन पूजा, विरोहिणी। निरेखी जरा पराणी परा देवता करिक्रंदन श्यामल कर नवीन कर अमर नवजौवन, यह हेउछि जौवन पूजा कवितार अंशविशेष। 24 नंबर प्रश्न, केउ दुईटी कवितार जीवनर सकल दुख और निराश मध्य चिरंतन रूप देखापी बलवती आग्रह कविंर विभु चेतना को आहरी स्पष्ट कर देछि। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही दीक्षा, रुद्र, वंदना, पूर्णता। एगुड़िक मध्य क्यों दुईटी कवितार कविंर जीवनर सकल दुख और निराश मध्य चिरंतन रूप देखापी बलवती आग्रह कविंर विभु चेतना को आहरी स्पष्ट कर पार्टी। यार सठिक उत्तर होची दीक्षा और रुद्र। यही दुईटी कवितार जहाँकि उत्कल साहित्य पत्रिकार 1930 मसीह प्रकाश पाई दुईटी कवितार जीवनर सकल दुख और निराश मध्य चिरंतन रूप देखापी बलवती आग्रह कविंर विभु चेतना को आहरी स्पष्ट कर देती। परवर्ती प्रश्न, गंधर्वर दुर्गा पूजा कविताटी केबे प्रकाश पाई? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 1953 मसीह, 1940 मसीह, 1942 मसीह, 1946 मसीह। यार सठिक उत्तर होची गंधर्वर दुर्गा पूजा कविताटी 1953 मसीह काव्य संचयन पुस्तक प्रकाश पाई। 26 नंबर प्रश्न, वृक्ष एमरु वृंदावने उपमार कहीं स्थान गोल करे रास कहीं बा प्रणय कठिन धरवा प्राण, यह क्यों कवितार आनीत? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही उमा, उपमा विरोध, पत्नी, से ही मोर भगवान। वृक्ष एमरु वृंदावने उपमार कहीं स्थान गोल करे रास कहीं बा प्रणय कठिन धरवा प्राण, यह हेउछि उपमा विरोध कवितार अंशविशेष। यह उपमा विरोध कविताटी प्रथमे सरकार पत्रिकार 1943 मसीह प्रकाशित बा प्रकाश लाभ करथिला। 27 नंबर प्रश्न, अरुणश्री कविता संकलन रे केते गोटी कविता स्थान पाई? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 44, 45, 46, 47। अरुणश्री कविता संकलन टे 46 कोटि कविता स्थान पाई, तेणु ऑप्शन सी हे यार सठिक उत्तर। 28 नंबर प्रश्न, कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक क्यों कवितार रक्त कबरी जवा प्रतीक मध्यम साम्यवादी भावना देखा मिले? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही अगस्त विप्लव, खेलाउछु कालिया नाग, मेहंतर, सावधान श्रमजीवी। यार सठिक उत्तर होची अगस्त विप्लव कवितार यह देखा मिले एवं अगस्त विप्लव कविताटी 1949 मसीह प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न, वैकुंठनाथ पट्टनायक कविता को किए डगरेल बोली रुष्ट मंतव्य देखते? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही सच्चिदानंद राउतराय, मायाधर मानसिंह, नित्यानंद शतपथी, जानकी वल्लभ महांती।
बैकुंठनाथ पट्टनायकर कविता को मायाधर मानसिंह डगरेल बोली कही रुष्ट मंतव्य प्रदान करथिले। तेणु ऑप्शन बी हे यार सठिक उत्तर। आज शेष प्रश्न बा 30 नंबर प्रश्न, कवि बैकुंठनाथ पट्टनायक चतुर्दश पदी में केते गोटी सोनेट स्थान पाई? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही पांच गोटी, छ गोटी, सात गोटी, आठ गोटी। कवि बैकुंठनाथ पट्टनायक चतुर्दश पदी रे आठ गोटी सोनेट स्थान पाई, सेगुड़िक हेउछि वंदना, प्रियतमा, भगवान, भाग्य, ज्ञानर व्यर्थता, आत्मसमर्पण, चीर सखा ओ पूर्णता। एहिपरि भाव में आठ गोटी कविता चतुर्दश पदी रे स्थान पाई।